अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को होना है। ऐसे में सभी भगवान श्री राम के मनमोहक स्वरूप के दर्शन करने और इस पल के साक्षी बनने के लिए पूरा देश ललायित है। लेकिन ऐसे में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अयोध्या न जाने की बात कही, जबकि वे अयोध्या कार सेवा के दौरान खुद भी यूपी के जौनपुर जेल में बंद रह चुके हैं। अपने जेल के अनुभवों को साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब हम लोग रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों का उद्घोष करते थे और अयोध्या जाने के लिए निकले थे, तब हमने हनुमाना से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया। कैसा विकट समय था कि अपने देश के एक राज्य की सीमा पर प्रवेश करने से रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी मुलायम सरकार ने, जैसे हम दूसरे देश में जा रहे हों। हमने कोशिश की, पकड़ लिए गए, जौनपुर में जेल भेज दिए गए। इस दौरान 8 दिन हम जेल में रहे और राम भजन किए। वातावरण था जब हम लोग रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों का उद्घोष करते थे और अयोध्या जाने के लिए भी निकले थे कार सेवा के लिए। सतना से हनुमाना गए, वहां से बॉर्डर क्रॉस की उत्तर प्रदेश की सीमा में हमने प्रवेश किया। अब देखिए कैसा विकट समय था कि अपने देश के एक राज्य की सीमाओं में प्रवेश के लिए, प्रवेश रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी जैसे दूसरे देश में जा रहे हों कहीं, मुलायम सरकार ने। फिर भी हमने कोशिश की, पकड़ लिए गए, अंततः जौनपुर में जेल में भेज दिए गए। 8 दिन हम जौनपुर जेल में रहे, लेकिन भाव में भगवान राम की भक्ति के गीत और मंदिर निर्माण के गीत गाता था। इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 जनवरी को अयोध्या न जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी देश के लिए भावुक दिन होगा, सब चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएं, उन पलों के साक्षी बने, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि हम अयोध्या न जाएं, भारी भीड़ होगी, ऐसे में व्यवस्था बनी रहे इसलिए बाद में दर्शन करने जाएं। मैं 22 जनवरी को ओरछा में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करूंगा, वहीं से उस पल का साक्षी बनूंगा, शाम को दीप उत्सव कार्यक्रम होगा। 22 जनवरी को सम्मानी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी देश के लिए एक भावुक पल होगा, वो भावुक दिन होगा, और ऐसे में हम सबकी इच्छा है कि हम सब अयोध्या जाएं और उन पलों के साक्षी बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि उस दिन हम अयोध्या ना जाएं, भारी भीड़ होगी, और वैसे में व्यवस्था बनी रहे इसलिए दर्शन बाद में करने जाएं। मैंने तय किया है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में मैं राम धुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा और वहीं से उस पल का साक्षी बनूंगा जब भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे और शाम को फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। कुल मिलाकर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अयोध्या न जाने का ऐलान कर ये बता दिया है कि वे पार्टी और नेतृत्व का हर निर्देश मानते हैं। यही कारण है कि जब पूरे देश का हर नागरिक अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होना चाहता है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अयोध्या न जाकर प्रदेश के ओरछा में ही रामराजा सरकार के मंदिर से भगवान श्री राम की आराधना करने के साथ ही सभी को संदेश दिया है कि अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने के बाद व्यवस्थित रूप से भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएं, जिससे कार्यक्रम सुव्यवस्थित हो सके। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।